स्टूडेंट्स, आई एम अर्नाजा गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 42 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स. दिस वर्कशीट इज फॉर 22nd October 2021. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 1, 2, 3. दैट मीन्स 1, 2, 3 का रिवीजन है. अब डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज डेसिमल एक्सप्रेशन. यदि हम इरेशनल नंबर का करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है. ठीक है, यानी इस तरह से होता है 0.23, 2, 4, 2, 5. मतलब इस तरह से कोई क्रम ये नहीं होता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग यानी पूरी तरह से कटने वाला तो उसमें होता है. नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग इरेशनल में होता है. ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आएगा. देयर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर. टू रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. अब डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस, अब देखिए इसको यदि हम करते हैं तो 7 3 21 तो 3 तो आएगा ही. इसके बाद अब ये दोनों तो पूरी तरह से टर्मिनेट वाला तो आएगा ही नहीं. अब इस दोनों में से कोई एक सही हो सकता है. जब हम डेसिमल करेंगे तो 1 से करेंगे 7 1 7, फिर बचा 3 पर 0 7 4 28, फिर 2 पर 0 तो 2 पर 0 होगा तो 7 2 जा. ठीक है, यानी इसका आंसर ये सही है 3. अब कहता है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें. 0.1 के ऊपर बार है तो इसका ध्यान रखें बच्चों. यदि इस तरह है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और जितने पर बार है तो उतनी बार 9 लिखते हैं. और यदि इस तरह होता है 2 3 0 2 point, इस तरह होता तो हम क्या करते, 2 3 तो लिखते और जिस पे नहीं है वो माइनस करते. और फिर डेसिमल जितने पे बार है वो हम उतनी बार 9, और जितने बार नहीं है, जितने पे नहीं है डेसिमल के बाद उतनी बार 0. तो इस तरह से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लिखेंगे वो आंसर होगा. अब ये हमारा फिलहाल 1/9 सही इसका आंसर है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अभी बताया वही रूल यहाँ पे लागू है. 32, तो 32 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है उतना माइनस कर देंगे. अब जितने पे बार लगा हुआ है तो उतनी बार 9, और जितने पे डेसिमल के बाद नहीं लगा हुआ उतनी बार 0. तो हमारा आ गया 29/90, जिसका सही आंसर 3 है. अब कह रहा है राइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर सेपरेटली फ्रॉम फॉलोइंग. तो यहाँ पे देखिए, ये तो 3 4 9 2 7 ये किसी क्रम में नहीं चल रहा है तो ये इरेशनल है. ये भी रूट में है, इरेशनल है. ये भी रूट में रहेगा, इरेशनल. ये भी इरेशनल. अब ये तो रूट में है ही नहीं तो रैशनल नंबर. ये इसको हम लिख सकते हैं 7.45672, ये रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल, ये इरेशनल. अब ये देखिए, ये रैशनल है. यहाँ पे यही नंबर रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल है और ये इरेशनल है. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. अब कह रहा है जो कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखिए. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6/, जितने पे बार लगा हुआ उतनी बार 9, और जितने पे नहीं लगा हुआ है वो 0. आप यहाँ 0 माइनस भी करके सीख सकते. तो ये आ गया 6/90. इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/30 आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कह रहा है जो कि गिव एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अरेशनल. अब रूट टू और इसको मल्टीप्लाई करें 2√2 से, तो ये रूट टू का पेयर बन जाएगा. तो ये दोनों एक दूसरे, दोनों तो इरेशनल है लेकिन प्रोडक्ट करने पे ये रैशनल हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा. लेकिन वहीं पे रूट थ्री को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इरेशनल है और इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सिक्स हो जाएगा. तो ये इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट देखते हैं. इसको कह रहा है जो कि रैशनलाइज करना है. तो इसको यदि हम करते हैं तो देखते हैं ये 2√2 आता है. अब ये रूट टू को हटाना है तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2√4. तो ये इसका सही आंसर है. अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.